के मौजूदा हालात हैं, कर्नाटक असेंबली इलेक्शन चल रही है, हर जगह कॉम्पिटिशन पर कॉम्पिटिशन हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना? अच्छा है कॉम्पिटिशन हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्टेट में इस बार गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, बीजेपी को नुकसान पे नुकसान हो रहा है। लोग बीजेपी को ना पसंद करने की बहुत सारी वजह है और कांग्रेस को पसंद करने की भी बहुत सारी वजह है। तो इस बार का इलेक्शन जनाब सिद्धरामैया साहब और डी के शिवकुमार साहब की लीडरशिप में और माइनॉरिटी में जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब हो या दूसरे कई दीगर जो लीडरान हैं, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हुकूमत हमारी हो। और कांग्रेस की अगर हुकूमत आई तो अमन की हवा लहराएगी पूरे कर्नाटक के अंदर करके, ये उम्मीद लेते हुए सब मिलकर काम कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं उमा हमारा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बैंगलोर। आज हम पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुजाहिद साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, अभी जो कर्नाटक असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं हर तरफ, सर इसमें कांग्रेस जेडीएस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सब कंटेस्ट कर रहे हैं, कंटेस्ट किए हैं, तो इसमें मुस्लिम्स और जो डिवाइड होंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इस बार ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि बहुत सारे दानिश्वर और अक्लमंद लोग और सेकुलर ज़हनियत रखने वाले और उसके साथ साथ उलमाए किराम और पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सब की मेहनतों की वजह से इस बार वोट बटने नहीं देंगे, क्योंकि इख्तदार में कांग्रेस पार्टी आना है। क्योंकि जो 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 इस 5 साल के अंदर नताई जाए हैं, जो हिजाब का हो या हलाल का हो या जो कुछ भी आए हैं, और जो हमारे एक इदरीस का जो मामला हुआ, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कौम का वोट इस बार बटेगा ये तो मैं नहीं मानता। इंशाल्लाह पूरा मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी को साथ देंगे। जो फिरका परस्त पार्टी है उसको हटाने के लिए पूरी मेहनतें चल रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि मुसलमान वोट और जो भी दलित वोट और जितने भी अखिलियत से आते हैं, उन लोगों का पूरा वोट इस बार कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सर, अभी आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एस सी श्रीनिवास साहब जो कांग्रेस पार्टी में कंटेस्ट किए हैं, उनकी सपोर्ट में आप क्यों हैं? क्योंकि लास्ट टाइम अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के साथ आप उनकी सपोर्ट में थे, तो देखिए उसकी वजह क्या है। हम अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के, ए सी श्रीनिवास के ऐसा नहीं है, हम लोग कांग्रेस के आदमी हैं। कांग्रेस किसको भी सीट दे, हम उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के लॉयल। तो ए सी श्रीनिवास को 20 बार पार्टी से टिकट दिए, तो हम हमारा लाजमी है कि भाई हम ए सी श्रीनिवास को काम करें। सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि अभी जो कैनवासिंग हो रही है, तो लोगों का पब्लिकेशन अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिस्पॉन्स कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कुछ हमारे साथी जो उलमा इकराम के जो कदर नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ उलमा इकराम के बारे में सोच समझ कर, और उलमा इकराम की हमको ज़रूरत है। अगरचे आपके दिल में भी ये महसूस होगा, तो बेहतर है कि आप लोग भी फौरन कांग्रेस के हक़ में मुहिम चलाएं और फिरका परस्त पार्टियों को दूर रख कर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को इस हलके से लेके आएंगे, तो इंशाअल्लाह कौम का भी भला होगा और हुकूमत के लिए भी आसानी होगी। आवाम के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार वोट डिवाइड होने मत दो, और जितने भी आपके आजू बाजू जो भी लीडर्स हैं, कुछ उनकी मजबूरी हो सकती है कि भाई उन लोगों ने दूसरी पार्टियों के हक में वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग तो मजबूर नहीं हैं। आपको हर एक के बारे में सोचना है और हुकूमत किसकी बनना है ये आपके जहन और दिमाग में रहना है। अगरचे इस बार जो इदरीस का जो वाकया हुआ और हिजाब का जो मामला हुआ, झटके का जो मामला हुआ, इन सब को मद्देनज़र रख कर आप लोग वोट करेंगे, तो गलती से भी आपका वोट दूसरी पार्टियों को नहीं जाएगा और डिवाइड भी नहीं होएगा, मुझे उम्मीद है कांग्रेस को ही जाएगा। ताकि कांग्रेस पार्टी आएगी तो पूरे सेकुलर जहन जो भी रखे हैं, उन लोगों से भी मैं यही गुजारिश करता हूं, आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छी हुकूमत बनेगी और हम लोग सुकून और इत्मीनान के साथ, हम हमारे फैमिलियों के साथ, अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं।